कड़ी मेहनत करें और सब्र करें, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको तुला लग्न वालों के लिए 2021 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी के ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। तुला लग्न वाले लोग मिलनसार होते हैं, हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, सच बोलते हैं, डांस म्यूजिक और पेंटिंग करना इन्हें अच्छा लगता है। गलत बात पर ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, मार्केटिंग में भी ये लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, दूसरों को फ़ायदा करवा के ये अपना फ़ायदा भी निकाल लेते हैं, हर समय पैसा कमाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, सुंदर चीज़ों से इन्हें ज़्यादा लगा होता है, ये बहुत इमोशनल होते हैं और सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 7 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। जनवरी से 21 फरवरी तक मंगल की दृष्टि के कारण आपको बेकार का गुस्सा आएगा। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, किसी बात को लेकर आप भयभीत भी रह सकेंगे। मार्च और अप्रैल में शुक्र उच्च के हो जाएंगे, तो आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत होने वाली है। ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले ध्यान रखें कि डिजिटल पेमेंट में आपको कोई फ्रॉड ना हो। डिजिटल पेमेंट करते वक्त आप थोड़ी सावधानी रखें। जून जुलाई के महीने के दौरान आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस में नौकरी में प्रोग्रेस होने वाला है। आपके कंप्यूटर से आपको जो परेशानी मिल रही थी वह अब खत्म हो जाएगी। मार्च अप्रैल और मई के दौरान आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाकी का समय आपके लिए अच्छा है। आपकी नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, आपकी जवाबदारियाँ बढ़ेगी, आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी आएगा। फरवरी मार्च अप्रैल और मई के दौरान आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। इस समय के दौरान आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसे ना लगाए तो अच्छा होगा। जून के बाद का समय फाइनेंशियल तौर पर आपके लिए अच्छा होगा। आपके दूर के परिवार के किसी सभ्य के साथ आपका विवाद हो सकता है, ये विवाद किसी प्रॉपर्टी के कारण भी हो सकता है। घर के आसपास अपने पड़ोसियों के साथ कोई विवाद ना करें। इस साल आपको फेफड़े की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। मार्च अप्रैल और मई का महीना स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देते हैं, लेकिन जब ये अस्त हो जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम देते हैं। 14 फरवरी से 20 अप्रैल तक शुक्र अस्त हो जाएंगे, तब आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र जब अष्टम भाव में आएंगे तब बेकार के खर्चे बढ़ जाएंगे। शुक्र जब नवम भाव में आएंगे तब आप अपने घर में सुधार कर सकते हैं, नया वाहन भी खरीद सकते हैं, परिवार के साथ विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई लीगल नोटिस भी मिल सकती है। 11 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। इस समय के दौरान आपका लव पार्टनर आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। नवंबर और दिसंबर के दौरान आपके परिवार का कोई आपका अंदरूनी सभ्य आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, तो डिजिटल पेमेंट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें और अपनी पर्सनल डिटेल किसी को शेयर ना करें। केतु पूरे साल आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं, तो आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा, किसी की आत्मा को चोट ना पहुंचाएं। अपने घर में और अपने कार्यस्थान पर शांति का माहौल बनाए रखें, कोई भी वाद विवाद ना करें, ज़्यादातर बाहर का खाना पीना ना खाएं। 6 अप्रैल से 13 सितंबर के दौरान गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब जिससे प्यार करते हैं वह प्यार आपको मिल सकता है। जो लोग संतान के लिए प्रयत्न कर रहे थे उनको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आपको हर रोज संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना होगा। राहु पूरे साल आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, तो आपको अपने ससुराल वालों से कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। आपके ससुराल वाले आपके साथ कोई भी चीटिंग भी कर सकते हैं।
आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। 10 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह साथ में आ जाएंगे। मकर राशि आपके चौथे भाव में आती है, तो इस बात का असर सब लोगों पर पड़ेगा। आपको इस दिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 2021 में 2 ग्रहण होने वाले हैं, 26 मई को चंद्र ग्रहण और 10 जून को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखने वाला। शुक्रवार को खट्टी चीज़ें ना खाएं, गाय को रोटी खिलाएं, चावल का दान करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, तो ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो ये था तुला लग्न वालों के लिए 2021 के साल का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहें हमारे चैनल। धन्यवाद।